बड़ा भीषण होगा। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी को कितनी सीट? अब जहां माननीय मंत्री जी, जहां मंत्री जी जाते हैं, आप देखते हैं जहां गए वहां सरकार बनी, जिसको छोड़े वो मिट्टी में दफन हो गया। आप खुद मीडिया के हैं, आप जानते ही हैं। अभी तक भाजपा के लोग कहते थे कि हमारी लहर है, आज लहर निकल गई भाजपा से, आज भाजपा से लहर निकल गई। मंत्री जी जहाँ जाएंगे सरकार वही बनने वाली है। आज मीडिया के समीकरण भी गड़बड़ा गए हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये साफ तौर पर जो यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद थे, जो अलग अलग जिलों से आए थे, इनका साफ तौर पर अब ये कहना है कि अब समीकरण उत्तर प्रदेश का पूरी तरीके से बदल गया है और आने वाले दिनों में जो नतीजा आएगा वो नतीजा भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ बदलने वाला है। क्योंकि जिस तरह से इन लोगों का कहना है कि 400 पर समाजवादी पार्टी, हालांकि ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो देखना है, मैं लेकिन जो उठा पटक उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज हुई है चुनाव के बिल्कुल करीब, वो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी उठा पटक है। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ में रिजन पांडे। संवाददाता और संवाददाता ने कार्यकर्ताओं से बात करी, तो संवाददाता ने कार्यकर्ताओं से बात करी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जो लहर थी अब वो निकल गई है भाजपा से, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को कार्यकर्ताओं ने लहर बताया है। और सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का क्या कहना है इस मामले पे, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में आप भारतीय जनता पार्टी मतलब खत्म, जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा वो हारेगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने साफ संदेश दे दिया है। 5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दर्द झेला है, अब उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देना है। इसलिए अब कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह सकता। अब यहां सिर्फ जनता समाजवादी पार्टी की सरकार चाहती है और जो समाजवादी पार्टी से लड़ेगा वही जीतेगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के बाद अब सभी की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यकर्ता हो या फिर बीजेपी कार्यकर्ता या फिर सपा प्रवक्ता, सभी की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और कोई अच्छी तो कोई बुरी प्रतिक्रिया दे रहा है। जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के भाजपा छोड़ने की वजह बताया जा रहा है सम्मान, कि सम्मान नहीं मिला, दलितों को सम्मान नहीं मिला, जिस वजह से उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। और सपा जिस तरह से मुखरता से पिछड़ों का और गरीबों का, दलितों का मुद्दा उठाते थे, उसको देखते हुए सपा की नीतियों से खुश होकर जुड़ गए हैं सपा से। और सपा कार्यालय पे हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े हैं, तो विभांशु से जानते हैं कैसा माहौल है इस वक्त। तो विभांशु, स्वामी प्रसाद मौर्य अब सपा में जुड़ने जा रहे हैं, हालांकि जुड़ तो चुके हैं ऑफिशियली, अभी कुछ ही देर में जुड़ेंगे, तो कैसा माहौल देखने को मिल रहा है सपा कार्यालय पे? सपा के जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पे, जहाँ अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की मीटिंग चल रही है, अब बाहर आने के बाद पता चलेगा कि कितने विधायक उनके साथ सपा ज्वाइन करते हैं। वहीं यहाँ तमाम लोग हैं, कार्यकर्ता है, जिसके अंदर काफी हर्ष है, वो काफी जोश में है। और कई लोगों से हमने यहाँ बात की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार हम बहुमत, जो जादुई बहुमत का आंकड़ा है, उसको हम छू रहे हैं। इसी तरीके हम यहाँ कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, ये एक समर्थक जो ऊपर अपने साइकिल लगाए हुए, तो क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? अच्छा, हमें ये बताएं कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश जी की मीटिंग चल रही है, साफ तौर पे कह सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में आ गए हैं, कैसा लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कि आगामी चुनाव में कैसा रिजल्ट देगा ये? अच्छा, आप बताएं स्वामी प्रसाद मौर्य के आने का क्या बदलाव आएगा सपा में? बदलाव ये आ रहा है कि भाजपा का सूत्र साफ हो रहा है और हमारी समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद हो रहा है। और माननीय अखिलेश यादव जी की 2022 में जो मुख्यमंत्री पद है मजबूत हो रहा है और बहुमत से आ रहे हैं, और ये जनता का चुनाव है, जनता का चुनाव है। जनता जो है बहुत परेशान हो गई इन 5 साल में। ये जो बीच रस्सी का नारा है कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो ये भूल गए थे, बीच वो अपने लिए कह रहे थे, 80 माननीय अखिलेश यादव के समर्थक उनके लिए कह रहे थे, कुल 80% जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो लोग हैं जो लोकतंत्र चाहते हैं। अच्छा,
जो समाजवाद लाना चाहते हैं तो वो लोग हैं, वो उल्टा बोल रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि पटेल में हम है, वो हिंदू मुस्लिम में बांटने जा रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, ये झूठों की सरकार थी, जो झूठे जुमले बोलते थे उनकी सरकार थी। अब हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश में इनकी ये सच्चाई सामने आ गई है, अब यहाँ की जनता जो है समझदार हो गई है। अच्छा आप बताएं कि अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की बैठक चल रही है और आज पहली लिस्ट भी जारी हो सकती है, तो आपको क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद सीटों में कितनी बढ़ोतरी होगी? अब इसके बारे में हाईकमान के बारे में कुछ नहीं, आपके मुताबिक कितनी सीटों में बढ़ोतरी होगी, कितनी सीटें और आएंगी? समाजवादी पार्टी की ट्वीट सामने आया है, केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कारणों से इस्तीफा दिया है और अपील है कि बैठकर बात करें, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं, तो हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने ट्वीट किया है, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं, उनसे अपील है कि बैठकर बात करें, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पे कह दिया है कि उन्हें पता नहीं है कि किस वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ी है और जल्दबाजी में लिए फैसले गलत साबित होते हैं। विभांशु, जो ये ट्वीट सामने आया है केशव प्रसाद मौर्य का, क्या कहेंगे इस पे? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं उनको इस बारे में पता ही नहीं है कि किस वजह से छोड़ी है बीजेपी का साथ छोड़ा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। जी शिखा, साफ तौर से हम कह सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य इन सभी चीजों से अपने आप को अलग रख रहे हैं, क्योंकि वो उसी समाज से आते हैं जब केशव प्रसाद मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य को 2017 के चुनाव में बीजेपी की सदस्यता दिलाए थे, तो साफ तौर से कहा गया था कि बीजेपी का जो मौर्य के लोग हैं, मौर्य बिरादरी के लोग हैं, उनका खास तौर पे वोट बैंक बीजेपी की तरफ आया है। अब ये दोनों जोड़ी टूट गई है और अखिलेश यादव के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की बैठक चल रही है, इन सब चीजों को देखते हुए जनाधार न खराब हो, इसी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य की इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। अब शाम में वो डिप्टी सीएम है और साथ ही साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में 2017 में चुनाव लड़ा गया था, तो अब शाम को जब देखते हैं कि इस पे क्या पूरी तरह से वो बोलते हैं, लेकिन अब तक वो ट्विटर के माध्यम से पूरे बचते हुए दिखे हैं। जी अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य की गत पर अफसोस है और अपनी स्थिति को सम्मानित स्थिति में लेकर आए, मुझे बाद में सलाह दे, तो इस बयान में क्या कहेंगे? जी आप सुनाई दे रहे हैं, रिपीट करें। जी विभांशु, स्वामी प्रसाद मौर्य ने केशव प्रसाद मौर्य के लिए कहा था कि अपनी स्थिति में सुधार लाए, जिस तरह की आपकी गति है उस पे अफसोस है, मुझे सलाह देने से पहले अपनी स्थिति को सम्मानित स्थिति में लाए, मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि जो केशव प्रसाद मौर्य की बीजेपी में स्थिति है वो काफी खराब होती जा रही है, उनको सम्मान की कमी है, और सम्मान की बात करिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि सम्मानित स्थिति में लाए, तो क्या सम्मान नहीं प्रसाद मौर्य को, क्या केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी में सम्मान नहीं मिल रहा, आखिर क्या कहना चाहते थे स्वामी प्रसाद मौर्य? जी जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने इस्तीफे के पत्र में लिखा है, उसमें साफ तौर में उन्होंने इस चीजों को लिखा है कि दलित शोषित ग्रसित और शोषित लोगों के साथ जो बीजेपी ने गलत काम किया है, उनकी उनको पूरा ध्यान नहीं दिया, उनके लिए विकास का कार्य नहीं किया, इन सब चीजों को उन्होंने अपने इस्तीफे के पत्र में लिखा है। तो साफ तौर से उनका कहना है कि बीजेपी जो है वो ओबीसियों के लिए काम नहीं की है, दलितों के लिए काम नहीं की है, शोषितों के लिए काम करी है, ऐसा कहना स्वामी प्रसाद मौर्य का है, और इन्हीं सब चीजों से केशव प्रसाद मौर्य बचते दिख रहे हैं। जी विभांशु, एक बात और कहिए, केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में कि जल्दबाजी में फैसला गलत साबित हो सकता है, तो बात करने के लिए तैयार है केशव प्रसाद मौर्य, तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी अभी भी बात करने को तैयार है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य से जब ये पूछा गया था तो वो गुस्साए नजर आ रहे थे, आक्रोशित नजर आ रहे थे, तो लग नहीं रहा था कि वो बीजेपी में वापस जाएंगे, तो एक तरफ से प्रस्ताव आ रहा है बीजेपी की तरफ से, तो क्या बीजेपी में जाने के बारे में दोबारा सोच सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? जी आपको बता दें कि पिछले चुनाव के दौरान वो सपा सुप्रीमो से मिले थे, उस दौरान बीजेपी की तरफ से उन्हें काफी उन्हें मनाकर बीजेपी में लाया गया था, और आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में उनके जो करीबी लोग हैं और जो उनका समाज है उसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य जो सत्ता के गलियारों में विगत महीनों दिनों से स्वामी प्रसाद का बीजेपी छोड़ने की बातें कही जा रही थी, मगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने
इस पर विराम लगाते हुए विगत अनुपूरक बजट के दौरान इस पर विराम लगा दिया था, मगर अब शायद उनका गुस्सा बाहर आ गया है और वो आके डायरेक्ट सपा सुप्रीमो से मिलते हैं और पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उनके साथ बीजेपी के कुछ और अभी खबरें चल रही है कि 4 विधायक भी इनके साथ आ रहे हैं जिसमें धर्म सिंह सैनी भी है। विभांशु, सपा और खासतौर से सपा सुप्रीमो अखिलेश गरीबों का और पिछड़े वर्ग का मुद्दा उठाते रहते हैं और इन्हीं सबको देखते हुए जब अब स्वामी प्रसाद मौर्य आ रहे हैं सपा में तो लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, सपा कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, जनता आपके पीछे मौजूद है, उनसे बात करिए और जानने की कोशिश करिए। जी अच्छा, हमें ये बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य आज सपा ज्वाइन कर रहे हैं तो इसको देखते हुए क्या कैसा जनन पैदा होगा? भाजपा में गए थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनका सम्मान नहीं हुआ तो इसलिए वो समाजवादी पार्टी के दरवाजे पे आए हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले। अब हाई कमान निर्देश जो करते हैं या जो टिकट दिया जाए जो हाई कमान के हिसाब से होगा। अच्छा, आप क्या कहेंगे? देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौर्य समाज के प्रदेश के बड़े चेहरे हैं, उनके आने से निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जानाधार बढ़ेगा और पिछड़ों दलितों के वे बहुत बड़े सुचिंतक है, नेता है, उनके आने से समझ के चलिए कि 50 से ऊपर सीटों पर असर पड़ेगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीतने का काम करेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं सबसे संपर्क कराने वाला हूँ। बलिया में विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, सड़कें टूटी टूटी पड़ी हुई है, केवल ये लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस पे क्या कहेंगे, बलिया से देखो कहीं निकलता है, बलिया को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को नहीं जोड़ा गया है, गाजीपुर में ही खत्म हो गया है, लेकिन अखिलेश जी के परियोजना से समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उससे जोड़ा गया था। अखिलेश जी ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से बलिया को जोड़ा था, लेकिन वर्तमान जो भाजपा की सरकार रही जिन्होंने इस कार्य को पूरा कराने का काम किया उसने बलिया को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से काट के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को गाजीपुर में ही खत्म किया, जो बलिया के साथ घोर अन्याय हुआ है। और अब हमारी 2022 में सरकार बनेगी और हमारे नेता अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो बलिया को भी पूर्वांचल से जोड़ने का काम करेंगे, यही हमारा उम्मीद है। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा जा रहा है और ट्विटर के माध्यम से सोशल मीडिया पे कि बहुत जल्दबाजी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी और मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, इसको क्या कहेंगे आप? हम तो कुछ जिले से हमारे क्षेत्र के विधायक आने से सातों सीटें कुछ मजबूत नहीं है, पूर्वांचल में उनका जनाधार है, प्रदेश में जनाधार है, उनके बिरादरी में केशव प्रसाद का कोई मतलब नहीं है, उनका पकड़ केशव प्रसाद मौर्य के जगह पे स्वामी प्रसाद मौर्य को नेता कुशवाहा बिरादरी मानती है, मौर्य बिरादरी मानती है, आने से इस बार सरकार को कोई रोक नहीं पाएगा। अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है, पिछड़ों का चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य है, उनके आ जाने से अखिलेश यादव को मजबूती मिल जाएगा, ये संदेश आज आ गया कि अखिलेश यादव जी की सरकार पूर्वांचल से लेकर और प्रदेश तक बनने जा रही है। जी आपको बता दें कि इस वक्त जो शख्स मेरे साथ मौजूद थे वो उत्तर डवौना विधानसभा क्षेत्र से आते हैं जहां तत्कालीन विधायक जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनका साफ तौर से कहना है कि जो मौर्य समाज है उनका जनाधार सपा की तरफ आएगा। जी शिखा, जनाधार तो आएगा लेकिन क्या लगता है कि जो लहर है वो किस बार सपा के साथ है, क्या इसी लहर को देख के स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना दल बदल लिया? विभांशु क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो संवाददाता से हमारी बात नहीं हो पा रही है, तो सपा कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं की बात आपने सुनी, किस तरह से उत्साहित भी हैं और कह रहे हैं कि इस बार साइकिल आ रही है और स्वागत भी किया है स्वामी प्रसाद मौर्य का, जहां एक तरफ सपा ने स्वागत किया है, खुद सपा प्रमुख अखिलेश ने स्वागत किया है कि हमारे यहाँ स्वागत है, हम समाजवादी सोच के लोगों की स्वागत करते हैं, 22 में बाइसाइकिल आ रही है, ट्वीट करके स्वागत किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य का भी ट्वीट सामने आया है जहां वो अभी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि जहां पीएम से भी बात करी गई है इस मुद्दे को लेकर कि मनाने की कोशिश की जा रही है स्वामी प्रसाद मौर्य को। केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया, ट्वीट सामने आया है, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी
किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। तो इस तरह का ट्वीट सामने आया केशव प्रसाद मौर्य का, और ये माना जा रहा है और सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि आला कमान स्वामी को मनाने में जुटा हुआ है। पीएम मोदी से भी इस बारे में बात हुई है, स्वामी प्रसाद मौर्य के से वार्ता करने के संबंध में बात हुई। और केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट भी देख सकते हैं आप, सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। तो बैठकर बात करने का प्रस्ताव देते हुए नजर आ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक इस्तीफे से बड़ी हलचल पैदा हो गई, एक बड़ी राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने ये भी बात स्वीकारी अपने बयान में, मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि कितने लोग साथ में आ रहे हैं, यानी कि दूसरे दल में जा रहे, किस दल से जुड़ेंगे और कौन कौन से नेता इस्तीफा देंगे और दूसरी पार्टी को साथ में ही ज्वाइन करेंगे, इस बात की जानकारी दो दिन में मिल जाएगी। तो साफ तौर पे कहना है, और जब पूछा गया उनसे क्या दोबारा विचार करेंगे बीजेपी में जाने का या फिर इस्तीफा ना देने का, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सीधे नकारते हुए नजर आए हैं। और उन्होंने कहा है कि इज्जत नहीं मिल रही, सम्मान नहीं मिल रहा है, सम्मान ना मिलने की बात कही है। सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि योगी सरकार में सम्मान नहीं मिल रहा है दलितों को। राज्यपाल को अपना इस्तीफा दिया है, और अब सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि आलाकमान स्वामी को मनाने में जुटा हुआ है। पीएम मोदी से भी अपील की गई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की वार्ता हो सके। और साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है, केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया है बीजेपी का, और सपा की तरफ से भी कई सामने आ रहे हैं प्रतिक्रियाएं। अब सभी की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, क्योंकि एक बड़ा चेहरा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, बीएसपी में भी रहे।